हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं? हम तो आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली कल मैं एक जगह गई थी, तो मैंने एक जगह स्पॉट किया है, यहाँ मेरे घर के पास में ही है, बहुत दूर में नहीं है। तो वहाँ पे ना लाइक जो विंटेज घर होते थे पुराने ज़माने में, उस तरीके के कुछ बैकग्राउंड है मुझे मिले हैं। तो मैंने सोचा, हमेशा तो मैं इंडोर शूट करती ही हूँ, इस बार आउटडोर शूट भी किया जाए थोड़ा। तो मेहनत करना बनता है, मेहनत करना तो बनता है अगर आप कोई काम शिद्दत से करते हो। एंड यूट्यूब मैं कितना मन से कर रही हूँ सबको पता है। तो घर के पास में ही है, तो सोचा वहाँ जाकर आप शूट करती हूँ। तो बिल्कुल रेडी वेडी हो गई हूँ, बिल्कुल एस्थेटिक पिक्चर्स जो आते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके के पिक्चर मतलब आते हैं यहाँ पे। तो वहीं पे जा रही हूँ, शूट करूँगी एंड वो लोकेशन भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जो ब्लॉग में देख रहे हैं तो आपको भी देखने में थोड़ा मज़ा आएगा एंड मुझे भी करने में मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं इसका आउटकम कैसा आया है। अरू को मैंने साथ में ले लिया है। अरू से हाय, वो छुप गया मेरे पीछे। तो अरू को भी मैंने ले लिया है कि थोड़ा सा अगर अरू रहेगा ना, तो ऐसे तो ट्राइपॉड ले लिया, बट लाइट हो जाओ, बहुत बड़ा वाला ट्राइपॉड नहीं लिया है, छोटा वाला ही ट्राइपॉड लिया है। तो जहाँ मुझे थोड़ा सा ज़रूरत होगी हेल्प की, तो अरू कर देगा। मतलब अरू जब करता है ना, तो देखो उसको उतना एंगल समझ में नहीं आता है जैसा मुझे चाहिए, तो कभी कभी दिक्कत होती है। तो चलो चलते हैं। हमने मेरे को प्लांट वाले नर्सरी वाले भैया हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हो रखते हैं। आते टाइम ना मैं लेके जाऊँगी यहाँ से कुछ प्लांट्स। तो मेन रोड पे तो आ गए हैं, अब जो गली है ना वो गली में चलते हैं, मतलब आप लोगों को दिखाती हूँ। और सामने में लग रहा है ना कि कुछ है, शादी वगैरह। आराम से आना, देख रहे हो मतलब 4 बज गया है, लेकिन ऐसा धूप लग रहा है ना कि जैसे अभी 3 बजे हैं, 2 बजे हैं। आपको गली दिख रही है ना, उसी गली में जाना है। गली क्रॉस करने के लिए इतना टाइम मतलब देना पड़ता है यार, क्योंकि मेन रोड है ना और अरू भी साथ में है, तो बहुत केयरफुली सब कुछ करना पड़ता है। और जब बाहर निकलो ना शूट करो ना, लोग ऐसे घूम घूम के देखते हैं कि आप क्या ही कर रहे हो वगैरह। सॉरी, आप ये देख रहे हो, ये मतलब बिल्कुल ये गली ना बिल्कुल एस्थेटिक गली टाइप की लगती है। तो यहाँ से मैं शूट करना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा पहला लोकेशन है, ये छोटा सा जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये मेरा पहला लोकेशन है। और नीचे मैं देख रही हूँ कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो चलो पहले मैं शूट करती हूँ। कभी कभी ना पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मैं रास्ते पे घूम घूम के एक्चुअली देखो शूट कर रही थी, कभी किसी के घर में मैं बिना पूछे नहीं जाती हूँ। बट यहाँ पे एक भैया थे, वो इतने भैया नहीं अंकल थे, अंकल टाइप खड़ूस अंकल टाइप, इतने ज़्यादा बदमाश थे। मतलब मैं उनके घर पे ना उनके वॉल पे मैंने कुछ करा ना कुछ भी, बस खड़ी थी मैं उनके वॉल के पास में, पूरा आकर डिटेल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मैंने बोला मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप कहाँ रहते हो, मतलब पूरा डिटेल वो लेने लगे। मैंने बोला आपका मैंने कुछ चोरी कर लिया है क्या कि आप इतने डिटेल पूछ रहे हो? अगर मैं आपका कुछ लेके जाती तब आप इतना डिटेल पूछते? मैं ये पब्लिक का रास्ता है, मैं कहीं पर खड़े होकर मतलब अपना काम कर सकती हूँ। तो ही इज़ लाइक ब्ला 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 ब्ला। तो इतना आसान नहीं होता है कंटेंट क्रिएटर होना, आप देख रहे हो ना, बहुत मुश्किलों के बाद एक एक जाके शूट होता है। तो चलो अभी घर की ओर चलते हैं। एंड घर में जो एक्सप्लेनिंग पार्ट है, एक्चुअली ये ड्रेस मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में थोड़ा बाहर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब कुछ। तो अभी तो जो मतलब स्टाइलिंग पार्ट था मेरा वो हो चुका है, अब घर जाके एक्सप्लेनिंग पार्ट जो रहता है ना वो शूट करना है। देखो किसी चीज़ का पेड़ है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लोरिंग मतलब फ्लावर जो है ना सब नीचे गिरे हुए, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और अरु जो है बिल्कुल थक चुका है मेरे साथ आके, अब अरु जो है घर जाके ग्लूकॉन डी पिएगा एक ग्लास, तब जाके इसको स्टैमिना आएगा। चलो, और यहाँ पे सब की छोटे छोटे स्कूटी बाइक सब कुछ खड़े हैं ना, सारा मूड खराब कर लिया। आपकी गली है जो भी बोलो यार, इतना अच्छा मूड बना के आई थी, तो मुझे लगा ना कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी आएगी, थोड़ा सा खड़ी हो जाती हूँ। एंड मेरे दिमाग में जो था वो तो हुआ ही नहीं, मतलब जो सोच के आई थी, क्योंकि कल मैंने देखा था उसका गेट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखो ऐसे क्या है ना, वो सब में फ़ोटोज़ ही सिर्फ अच्छे आते हैं, ऐसे तो वो दिखते अच्छे हैं नहीं। लेकिन चलो जितना भी हुआ, आई एम हैप्पी कि पहली बार निकल के मैंने मतलब अपने घर के अलावा, अपने मायके के अलावा और
मतलब कहीं पे जाके आउटडोर शूट करा। देखो ऐसे करने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्ट होता है। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई जगह है ना, तो थोड़ा आप जाओ, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा। क्योंकि जब इंसान आपको देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है मतलब आप खुद में ही कॉन्शियस फील करते हो। लेकिन ये फील्ड ऐसा है ना कि जब तक आप थोड़ा शर्म लाज नहीं त्यागोगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। मतलब पब्लिक तो पागल की तरह आपको देखेगी, उनको देखने दो, आप अपना काम करो। जैसे अभी मैं शूट कर रही हूँ ना, कितने लोग घूम घूम के देख रहे हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो चलते हैं। हो चुकी है, मंदिर भी खुल चुका है, पंडित जी ने मंदिर खोल दिया है, और फूल वाले भैया की दुकान भी खुल चुकी है। थोड़ी देर में आके मैं फूल लेके जाऊंगी। यार शूट करके तो आ गई बाहर से, अभी बस खाना खा लूँ। तो सिंपल दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाई थी, और रिशु इधर खा रहा है। रिशु भी सो चुका था, मैं शूट करने निकल गई थी तो मैंने उसको एक दो बार उठाया, ये उठा नहीं। तो मैंने बोला कि आके तब इसको खाना खिला दूंगी। और इधर मेरा सब कुछ फैला हुआ है, और ये ड्रेसिंग एरिया आप देख रहे हो ना, मैंने क्लीन करके रखा है कि आप लोगों के साथ इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करूंगी। एक प्रोडक्ट मेरा ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो प्रोडक्ट आ जाए। अभी देखो साइड में सारा सामान मैंने इस तरह से डाल के रखा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसका जो वीडियो है ड्रेसिंग टेबल का वो शेयर करूंगी। मैगी बना रही हूँ, काफ़ी दिन बाद मैं बच्चों को मैगी बना के दे रही हूँ। बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम। और अभी थोड़ी सी दाल बची हुई है ना, इसको भी निकाल के रख देती हूँ। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा कि नहीं, प्रीवियस ब्लॉग, ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया है ये सेल्फ। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहाँ पे इसमें ना दो बहुत स्पेशल चीज़ जाएगी, तो उसको मैं फिलिंग अप करूँगी। बट ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, आप मंगवा सकते हो, डेफिनेटली मंगवा सकते हो, कहीं भी लगाने के लिए, बेडरूम में, किचन में, वॉशरूम में, जहाँ पर भी आपका मन करे। सो आपको ये लगा कैसा, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और इस बार ना मैंने राशन बहुत कम मंगवाए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा राशन नहीं चाहिए थे, बहुत निकनाक राशन चाहिए थे, तो इसलिए कम राशन मंगवाए हैं। बस चीनी मंगवाना भूल गई, तो भैया के दुकान से चीनी मंगवा लूँगी। और ये एक पैकेट रिशु के लिए बनाना है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे मम्मा उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। क्या मिल जाता है इधर बोलो, क्या हो जाता है? ज्यादा मैगी हो। और खाना चावल के लिए तो नहीं बोलता कि मम्मा उसको ज्यादा दे दिए, हमको कम दे दिए। चावल के लिए तो लड़ाई होता है कि उसको कम, मतलब हमको कम दीजिए, उसको भी कम दिए। हाँ ये देखो बच्चे ना सारे कुछ जानते हैं। लो तुम्हारा बन गई, पता है ये 14 रुपीज वाला है, 7 रुपीज वाला नहीं है। इसमें दोनों शेयर करो, नहीं बनेगा ना, ना क्या दो पैकेट, तो उसे क्या हुआ, एक 7 रुपीज वाला खाता ना एक पैकेट, तो ये खा लो ठीक है। लाइक कटोरा शेयर कर लेगा आ? देख चलो दूसरा मैगी भी बना देती हूँ। काम वाम ख़त्म करके ना थोड़ा छत पे आई हूँ, मैंने मेरा चेहरा ही देख लो कितना उतरा हुआ है। मतलब देख के ही जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपके चेहरे पे भी दिख जाती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है। और इन दिनों मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी टाइप हो रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है ना, हमेशा ऐसा लग रहा है कि खुले में बैठूँ खुले में बैठूँ। और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है मुझे, एक्चुअली बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, पहले रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद। तो यही होता है लाइफ में, जब आप सब कुछ सोचो ना कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, तभी भगवान जी ऊपर से कुछ बॉम्ब फेंक देते हैं कि लो अब संभलो। तो यही हाल है। तो बस अभी थोड़ा सा छत पे बैठूंगी 10 से 15 मिनट, थोड़ी सी खुली हवा में सांस ले लूँ ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा भी लगता है। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, चांद इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये सब सामने होता है ना नेचर को, आप जब तक निकलोगे नहीं ना, तब तक आप मैं नहीं कर पाऊंगे। ये नीचे में एक लाइट जल रही है, ऊपर में ये चांद, चंदा मामा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये इतनी लाइटें जल रही हैं यहाँ पे, तो रात के टाइम में बहुत अच्छा लगता है छत पे आओ, बट इतना काम रहता है कि आना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड ने बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा सा भी लगता है इन प्लांट्स को देख लो तो बहुत बहुत अच्छा सा फील होता है। और अब उस साइड देखोगे ना, तो यहाँ से हावड़ा ब्रिज, वो आपको सामने में एक ब्रिज दिख रहा है, वो हावड़ा ब्रिज है। तो हमारी छत से बहुत कुछ दिखता है।